ताकत का सचश्मा मजा नहीं आया वहां तक आवाज आने के ताकत का सचश्मा ताकत का सचश्मा ताकत का सचश्मा राय साहब तुम्हें क्या कह रहे हैं राय साहब तुम्हें भी कह लो ताकत का सचश्मा थैंक यू वेरी मच खुदा बंदे कहीं मैं आपको कामयाबी नसीब करे आशतों के हसन से बचाए शर पसंदों के शर से बचाए अगर आप खामोश हो जाएं तो मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच जाए और खासतौर पर ये दोस्त जो इधर खड़े हैं बैठ जाएं प्लीज बैठ जाएं प्लीज आप बैठ जाइएगा वैसे ये मेरा काम नहीं कि मैं आपको बिठाऊं क्योंकि मैं तो बतौर एक मुकर्रर के यहाँ पे आया हूँ ये काम तो मुंतजमीन का होता है और चीमा वॉज डूइंग वेरी वेल टूडे बात यही कि मैं यहाँ पे सिर्फ दो हस्तियों में आपके सामने खड़ा हूँ एक तो ये इंदाई माजरत के साथ इफ्तिखार भाई से ये लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज मेहरबानी करें इफ्तिखार साहब को सुनने के लिए दुनिया के कान तरस से आज वो हमारे दरमियान मौजूद है शफकत फरमाए उनको तवज्जो दे दुनिया क्रॉस टॉक बंद कर दे और ये पूरा पोर्शन सामने से खाली कर दे चेयरमैन साहब और 15 मिनट में शायद पहुंचने वाले होंगे थैंक यू मैं दो हर्षितों से आपसे मुखातिब हूं एक तो मैं वो इफ्तिखार अहमद हूं जो 1967, 68, 69 और 70 में अपने बाकी नौजवान दोस्तों के हमराह पाकिस्तान के अंदर जो राइट और लेफ्ट की जंग थी जो असूलों की एक जंग हो रही थी उसमें मैं जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ और उस पार्टी के साथ उस दस्ते के साथ खड़ा था जो उस वक्त के आमरों को ललकार रहा था सरमायादारों को ललकार रहा था लुटेरों को ललकार रहा था और गरीब की बात कर रहा था तो वो एक इफ्तिखार अहमद जो उस पार्टी का फाउंडर मेंबर है मैंने उस वक्त भी और मेरे साथियों ने इस चैलेंज को कबूल किया था हमारे बारे में लिखा गया कि ये भुट्टो के साथ छोकरे क्या करते फिरते हैं इनकी हसीयत क्या है ये कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से भागे हुए लोग और भागे हुए बच्चे क्या तब्दीली ले आएंगे हमने उस चैलेंज को कबूल किया और ये हमने कोई एहसान नहीं किया हमारा फर्ज था कि हम अगर कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं तो वो लोग जिन पर ये तालीम हासिल नहीं हुई जिनके घरों में गुर्बत है जिनके घर में बीमारी है जिनके घर में खाने को रोटी नहीं है हम उनकी जंग लड़े गिरफ्तार अली भुट्टो के साथ मिलकर और मैं फखरिया तौर पर कहता हूं मुझे फख्र है कि 1970 के इंतखाबात में लाहौर शहर के अंदर जो जंग लड़ी हमने जंग की लड़ी एक छिट भी नहीं हारी एक छिट भी नहीं हारी ये है वो पीपल्स पार्टी जिससे मेरा तल्लुक था मेरे जिम्मे काम लगा था शेख मोहम्मद रशीद साहब के हल्के का वो हल्का NF4 होता था और जो दोस्त यहां पे बैठे हैं और शेख रशीद साहब को जानते हैं कि वो किस हद तक सरमाया खर्च कर सकते थे इलेक्शन पे इसका भी उनको बखूबी अंदाजा होगा हमने पूरा का पूरा पंजाब जीता मां सवाए सराइकी बेल्टवे जहां पे बहावलपुर सूबा बना वहां से उसके अलावा हम तमाम बैंक को जीत सके एक तो वो इफ्तिखार अहमद आपके सामने खड़ा और मैंने जो कुछ भी किया मेरे साथियों ने किया एहसान नहीं किया मैं फिर कहूंगा यार प्लीज अगर खामोशी हो जाए तो मेरी बात में शायद कुछ तरतीब आ जाए मुझे भी समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूं पाकिस्तान का वो दौर बड़ा अहम दौर है ये कहा जाता था कि मुकद्दर और तकदीर अल्लाह की दी हुई है जिसको जागीर मिलगी वो जागीरदार उस जागीरदार का हक रखता है जिसके पास सरमाया है जिसके पास व्यक्ति है वो उसका हक है हम कहते थे नहीं जो काश करेगा जिसको पंजाबी में कहते हैं जड़ा वाएगा वही खाएगा ये हमारा नारा था और मैं आज एक बात फिर कहना चाहता हूं पीपल्स पार्टी की इस नौजवान क्यादत को आप लोग समझते हो कि नारा बदल गया
आप कहते हो कि रोटी कपड़ा और मकान आज की हकीकत नहीं, तो तुम गलती करो। आज भी रोटी कपड़ा और मकान एक हकीकत है, रहेगी जब तक पाकिस्तान से फर्क खत्म नहीं होती। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जुल्फिकार अली भुट्टो का वो काफला आसानी का काफला नहीं था, उसकी वो जिदोजहद आसान जिदोजहद नहीं थी। जब हम सांगर जाते हैं तो हमला होता है, जब हम मुल्तान पर ट्रेवल करते हैं रावा पर हमला होता है। ये बदकिस्मती है तारीख की कि हमला करने वाला बाद में चीफ मिनिस्टर भी बन जाता है। ये तो बदकिस्मती है तारीख की ऐसी। ये लाहौर शहर उसका पीपल्स पार्टी का शहर था, फैसलाबाद पीपल्स पार्टी का। फैसलाबाद में हमारे जो तीन उम्मीदवार थे वो जेल में थे, राणा मुख्तार जेल में था, अपने साले शाह जेल में था, और उसके लिए तकारी करने लाहौर से लोग क्या करते थे। ये वो जज्बा काश आप में पैदा हो जाए। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं उस केस में और फिर दूसरी में। देखें, हमारे खिलाफ जो राइटिस्ट है, जो दाएं बाजू का प्रेस है, जो दाएं बाजू का दानश्वर है, जो दाएं बाजू का मीडिया है, आज तक उसने जो कार्रवाई भुट्टो और उसकी पार्टी को माफ नहीं किया। और ये हमारी और आप लोगों की बदकिस्मती है कि आपकी पार्टी ने इख्तदार में आने के बावजूद कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं बनाया जो जुल्फिकार अली भुट्टो के फलसफे को लेकर गली गली और मोहल्ले में लेकर जा सकता। और ये मुझसे पहले बैरिस्टर, ये बैरिस्टर बात कर रहा था, बैरिस्टर का वाले शेख मुजीब साहब हमारे हल्का चार के बस्तामी रोड के जो पार्टी का यूनिट था उसके सदर थे। ये है ट्रांसफर ऑफ पावर, इसको कहते हैं एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाना। काश ये लोग आप आगे भी ले जा सकें। मुझे सिर्फ इतना कहने क्योंकि मैं आज समझता हूं कि तमाम सियासी वाकयात के बावजूद मैं रोटी कपड़ा और मकान का हामी हूं। मेरे साथ मिलकर ये नारे लगाइए, रोटी हमारी जरूरत है, आपकी नहीं है, मेरी जो है नारे का जवाब तो दिए, रोटी हमारी जरूरत है, कपड़ा हमारा जरूरत है, मकान हमारी जरूरत है। और ये जंग लड़ते हो, अब मैं यहां पे क्यों खड़ा हो गया हूं? उसके बाद मैं साजिश बन गया, सहाफत करता रहा, कुछ इंटरव्यूज किए, जवाब दे, एक इंटरव्यू था जिसमें डॉक्टर नसीम हसन शाह ने ये तस्लीम किया मेरे इंटरव्यू में कि हां, जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत एक दबाव के तहत दी गई थी। ये इंटरव्यू मैंने 2003 में किया था और मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत का कि उन्होंने इस इंटरव्यू की बुनियाद पर सदारती रेफरेंस भेजा, और मैं शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का कि उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम किया। और ये आप लोगों को भी इस बात की मुबारकबाद होनी चाहिए। लेकिन क्या एक जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल का बदला लेने से बात बन जाएगी? जो कराची में मारे गए उनको हम भूल जाएं, जो गलियों में मारे जाते हैं हम उनको भूल जाएं, जिनको गुर्बत मार देती है हम उनको भूल जाएं, जिनको रोटी खाने को नहीं मिलती उनको भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा। और अगर आपकी सोच है ना कि इससे तो तब्दीली आ जाएगी, ऐसे तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपनी पार्टी को कम अज कम यूनियन लेवल की सतह पे ऑर्गेनाइज नहीं करते। आप वहां पर 100-100 वर्कर नहीं बनते, और आप बात करते हैं, बात बात में हंसता हूं आपकी बात सुन के, आपके लीडर कहते हैं कि मुकाबला करेंगे। जिनका मुकाबला आप करना चाहते हैं चौधरी सुजाद हसन साहब, राजा साहब, जिनका मुकाबला आप करना चाहते हैं वो ऑर्गेनाइज हैं। आप कम अज कम सियासी तौर पर तो ऑर्गेनाइज कर लो। 3,500 के करीब यूनियन काउंसिल है पंजाब में,
उस 3,500 जगह पे अगर तुम अपने दफ्तर बना लो तो मेरे लिए भी फायदा है, मेरे बच्चों के लिए भी फायदा है, मेरे बच्चों के बच्चों के लिए भी फायदा है, क्योंकि जमहूरियत के बगैर बात आगे नहीं जाएगी और जमहूरियत तब मुमकिन है अगर आप चाहते हो कि सरमायादार और जागीरदार और वगैरह हमेशा अध्यक्ष होकर असेंबली में न जाए, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये बैठे हुए थे प्रस्तावित सबके साहबजादे हल्का NA4 में, जब हम 1970 का इलेक्शन लड़ रहे थे तो 124 यूनियन के हमारे पास कितने थे, 124 दफातर थे हमारे पास एक कौमी हल्के में। तो आज तो आपके कौमी हल्के में कुछ भी नहीं रहा, जिसको टिकट मिल जाता है वही हीरो होता है, वही लीडर होता है, वही ऑर्गेनाइजर होता है। इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। और बस मुझे यही कहना था कि